अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं देख रहे हो फकीर रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर हाँ आप की खिदमत दे विच अज दा पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम विच आप दे नाल गल सांझी करांगा कि दुनिया की सब तो वड्डी नेकी कीड़ी है, किहड़ा नेकी का काम है जिहड़ा सब तो वड्डा है। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूबुल सुभानी कुतबरबानी बोलिया ने बोली पीरा ने पीर दस्त कीर पीर मेरा गौस पाक सरकार जी ने उन्होंने एक मरीज ने पूछा कि सब तो वड्डा नेकी का काम किहड़ा है। तो सरकार जी ने उन्होंने दस्सिया कि सब तो वड्डा नेकी का काम किहड़ा है। तो आप अज दे इस पैगाम विच आप दे नाल गल सांझी करांगे। चंगा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जी, चैनल में सबसक्राइब जरूर करना। तो एक गल थोड़ी होर सांझी करनी है कि एक दोस्त कह रहा है कि वीडियो नू लंबा पाओ, लंबी वीडियो होनी चाहिए है तो जो सुनते सुनते मन में सुकून मिलता है, जब तक वीडियो खत्म हो जाती है। एक दोस्त कह रहा है कि वीडियो लंबी ना करो, छोटी करो, इन्ना समा साढ़े को नहीं है, नहीं सुन सकते। हूँ आप इतने इस करके 7-8 मिनट की वीडियो पाई दी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करी। दिन रखांगे एक कि किस दिन जी वीडियो आया करेगी वो थोड़ा लंबी हो जाया करेगी, ज़्यादा बयान बोल दिया करांगे। तो इस करके सारे का समा सब तो घट है, तो इस करके आप थोड़ा जहा मीडियम जहा रख्या है, 7-8 मिनट की वीडियो बोली दी है। तो कोशिश करांगे कि थोड़ा लंबी बनाने की, क्योंकि एक दिन हफ्ते में रखा जाए। चलो आओ अज का पैगाम शुरू करिए। उस खुदा के नाते जो हर एक मेहरबान और निगेबान है। सब तो वड्डी नेकी कीड़ी है? आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारिया नेकियां ने। मरीज एक मीरा गौस पाक सरकार जी दे को गए तो जाके सवाल किया कि सरकार सब तो वड्डी नेकी कीड़ी है, ये दसो। तो सरकार जी मुस्कुराए तो कह लगे कि सब तो वड्डी नेकी जी है भुख्या खाना खिलाना, लोड़वंदा खाना खिलाना, मुसाफर खाना खिलाना, अपने गवांडियां खाना खिलाना, कुछ लोग घर के इकट्ठे करके उन्होंने खाना खिलाना, यह सब तो वड्डी नेकी है। तो सरकार जी आप जानते हो कि सरकार जी का शहर बगदाद, सरकार जी के लंगर खाने के अज तक लंगर चलता है। 11वीं शरीफ का लंगर, पंच तन पाक घराने का लंगर सदियों तो चलता आ रहा, तो अज भी चल रहा है। सरकार जी के उत्थे दर के उपर बगदाद दे विच किसी भी समय कोई भी चल जाए खाना उसको मिल जाता, जिन्ना खाना वो मिल जाता, घर लैके आना, घर लिया मिल जाता, पैकिंग करके वो दे देंगे ने। सारा दिन लंगर उत्थे चलता, कुछ समा दिन के बंद रहता लंगर, नहीं तो बाकी सारा टाइम लंगर उत्थे इदी चलता रहता। असी जे उत्थे किते जाण दा किसे मौका मिले तो आप जाके आप उत्थे सदके के तौर के उत्ते आप आटा भी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, क्योंकि लंगर उत्थे लगातार ही चलता रहता। सही है मेरा गौस पाक जी के कर्म के नाल। तो इस तरह ये जिहड़ा सरकार जी का लंगर है कि जो आप देखते हैं कि कोई मुसाफर जिहड़ा है वो सफर के है, उसनों लोड़ पै सकती है खाने की, कई बार कोल नहीं हुंदा, उसनों खाना खिला सकते हैं। लोड़वंद जिहड़े भुखे ने उन्होंने खाना खिला सकते हैं, कई बजुर्ग ने, कई गरीबी के विच ने, कई नहीं लै सकते, उन्होंने भी आप खाना खिला सकते हैं। तो सरकार जी कहते कि मालिक नज़रकर्म करता कि अल्लाह की निगाह के सब तो वड्डी नेकी यह है कि भुखे नूं खाना खिलाना। तो मेरा कौन सरकार जी कहते कि मैं अल्लाह के घर दियां सारियां फाइलां फोलियां आ, इस तो वड्डी नेकी मैनूं कोई नहीं मिली कि जिहड़ा किसी नूं खाना खिलाउण तो वड्डी कोई नेकी होवे। खाना आपां जो इस दुनिया के उपर, इस धरती के उपर है, जिसका जिसनों भुख लगती है, जानवर भी हो सकते हैं, पंछी परिंदे भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, किसी की भी आप मदद करिए खाना खिलाइए तो सब तो वड्डी नेकी है। ये सदके के रूप के मनी जाती है नेकी। असं जो करते हैं तो साडे मालक के घर लिखा जाता कि इस इंसान की नेकी है, तो नेकी के बदले सानू फिर साडे कई जिहड़े मसले हल किए जाते हैं। तो जो समा मिले, कितने भी समा मिले, तो आप काम जिहड़ा जरूर करिए। हुण गल इत्थे इक होर है कि आप देखा जाता कई बार जिहड़े आ कुछ लोग मंगते हैं पर उन्होंने लोड़ नहीं होंगी, वो जान के मंगते हैं। आप खाना लैके देना, पैसे कभी भी किसी को सदके के रूप नहीं देने। तुम ये देखोगे जे सद तो कोई पैसे मंग के लग्या हो, मंग के लग्या हो, जे वह जाके कहूगा कि मैं जी खाना खाना, तो जो तुम पैसे दोगे वह कभी भी खाना नहीं खाऊगा, वो कोई होर चीज़ लेगा। तो इस करके आप चीज़ तो बचना,
ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਦਾਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਣਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਦਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਦਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।